subscribe to my channel and click on the bell icon for regular beauty updates. Hi guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा ब्यूटी टिप शेयर करूंगी, अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो आपका चेहरा बेधाग, गोरा और चांद सा निखरा बन जाएगा। इस फेस पैक को बनाना बहुत ही आसान है और ये घर पे अवेलेबल चीज़ों से ही बनता है। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 3 से 4 चम्मच बेसन। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम लेंगे वो है दही। तीसरा और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। चौथा और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करेंगे वो है गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर। तो सबसे पहले हम एक खाली कटोरी में 3 से 4 चम्मच बेसन ले लेंगे। बेसन सालों से इंडिया में फेस क्लींजर की तरह यूज़ होता आया है। बेसन आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है, उसे चमकदार बनाता है और अगर आपकी स्किन पर स्किन टैनिंग या काले धब्बे ब्लैमिशेस है तो उसे भी कम करता है। अब इसमें हम 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। दही से चेहरे की खोई हुई रंगत लौट आती है और दाग धब्बे और रिंकल्स भी कम हो जाते हैं। इसके बाद हम पिंच ऑफ हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। टर्मरिक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिन लोगों को पिंपल की समस्या है वो टर्मरिक जरूर ऐड करें। लास्ट में हम 2 चम्मच गुलाब जल भी ऐड करेंगे। गुलाब जल हमारी त्वचा की पीएच बैलेंस को रेगुलेट करता है और एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे और एक स्मूथ थिक पेस्ट रेडी करेंगे। अब ये फेस पैक रेडी हो चुका है। इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इसे अब मैं ब्रश की मदद से एक थिक लेयर पूरे फेस पर लगा लूँगी और ध्यान रखिए इसे अपनी आँखों के आसपास नहीं लगाना है। ये फेस पैक हर प्रकार की त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये 100% नेचुरल है। पूरे फेस पे लगाने के बाद मैं इसे 5 मिनट तक सूखने दूंगी। पूरी तरह से सूखने के बाद अपना मुंह ठंडे पानी से धो ले। तो ये है फाइनल रिजल्ट। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं।